लगातार सुर्खियों में बनी रहने वाली अदिति सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और हाल ही में उन पर एक महिला ने बड़ा आरोप लगाया है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि अदिति सिंह कौन हैं। अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट से विधायक हैं। उन्होंने कांग्रेस की परंपरागत लोकसभा रायबरेली की सदर सीट पर 3 दशकों बाद भी अपना कब्जा जमाकर रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड कोई बड़े जीत के अंतर वाला रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि लगातार 3 दशक से इस सीट पर अपना कब्जा जमाए रखने का रिकॉर्ड है। वहीं अदिति सिंह की पर ग्राम अख्तियारपुर की रहने वाली शीला सिंह ने जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। अख्तियारपुर की रहने वाली पीड़िता शीला सिंह का कहना है कि मेरा नाम खतौनी में अंकित है और उसी के पीछे अदिति सिंह की भी जमीन है और जिसे प्रशासन के बल पर कब्जा कर लिया गया है। पीड़िता ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया है, जबकि मौके पर तमाम पुलिस बल के साथ खुद अदिति सिंह वहां पर मौजूद थीं और तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में अदिति सिंह निर्माण करवाते दिख रही हैं। सुनीता सिंह चौहान, मेरी 2 बिस्वा जमीन विधायिका अदिति सिंह जो है कब्जा कर ली है और अपने गुंडों के साथ हमको धमकी भी दी है कि तुमको फंसा देंगे, तुम्हारे आदमी को फंसा देंगे। मैं तो बाबा की लाडली हूँ और मैं जो है जो भी करूँ मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। और पूरी प्रशासन के सामने खड़े हम लोग रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम प्रशासन के सामने हाथ जोड़ते थे कि सर मेरी जमीन नकवा दीजिए, उसके बाद में इनको जो भी करना है वो करे, हम नहीं मना करते हैं। हमारी 2 बिस्वा जमीन है, मेरी घूम भरी है और इनकी जमीन जो है सरकारी 25 बिस्वा उसी के बगल में है, उसी के आड़ में मेरी भी जमीन कब्जा कर रही है और मुझे जान मान की भी